अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा बायोलॉजी का कोर्स हैज़ ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। आज हम जो लास्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 27 एंड द चैप्टर इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है हम पिछले एक लेक्चर हम इसका ले चुके हैं और इट विल बी द सेकेंड लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि तीन ही टोटल इसके लेक्चर्स हैं। तो बेसिकली इट्स हमने पिछले लेक्चर में मेजॉरिटी जो बात थी वो डिस्कस कर ली थी कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी में कौन सी फील्ड्स हैं, क्या हमने डिस्कस किया पिछले ओवर द फोर ईयर्स का स्पैन आपका, नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेके, और फिर उस सारी नॉलेज ऑफ बायोलॉजी को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इंसान की बेहतरी, इंसान की फलाह और बहबूद, और इंसान के लिए किस तरह से उनसे हम फ़ायदे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डिस्कशन हमारी थी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये था कि किस तरह से हम एक आपस में इंटरलिंक होके, कोऑर्डिनेट होके सोसाइटीज़ को जो है वो जो है झंझोड़ के और उनको जो है अवेयरनेस दे के किस तरह से हम बेहतर तौर पे जो है बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं और उसके बारे में जो है बेटर इक्विप्ड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वेल इक्विप्ड। ठीक है, तो किसी डिजीज़ से वेल इक्विप्ड होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या बीमारी है, किस तरीक़ों से ये नहीं होगी, क्या मैं करूँगा तो ये नहीं फैलेगी, अगर ये हो जाए तो मुझे फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। फिर हमने वैक्सीनेशन पे डिस्कशंस की थी एंड वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज़ अ वैक्सीन, वैक्सीन एक क्या एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है, एक पैथोजन, एक बाहर का एक ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, हम उसे वीक करके या फिर या तो वीकेंड फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में जो है देते हैं, और फिर क्या होता है कि बॉडी में जब हम उसको एंटर करते हैं तो बॉडी रिस्पॉन्स देती है, और वो रिस्पॉन्स बॉडी का क्या होता है कि इम्यूनिटी, बॉडी उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है बॉडी की, और बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी ज़्यादा कैसे होती है, बॉडी जो है किसी फॉरेन चीज़ से, किसी पैथोजन से कैसे लड़ती है, एंटीबॉडीज़ बना के। तो जिसम आपका जो है वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है, उसके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, फिर हमने देखा कि कुछ माइनस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम वैक्सीन लें, जो कि अक्सर नहीं होते, कभी कभार हल्के फुल्के से हो जाते हैं। हमने स्पेसिफिकली देखा कुछ वैक्सीनेशंस को पोलियो के केस में, जैसे उनकी क्या डोज दी जाती है, किस टाइम पीरियड पे वो दी जाती है, कौन से रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल अगर दी जाएगी तो स्किन के थ्रू, सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर, इंट्रावीनस मतलब वेन्स में, ओरल रूट मतलब विया माउथ। ठीक है, तो ये डिस्कशन थी। फिर उसके बाद जो है आपकी बुक में एक वैक्सीनेशन स्केड्यूल का एक चार्ट है, जो कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, डिफ्थीरिया, टेटनस, मीजल्स, मम्स, रुबेला, जो कि MMR उसकी वैक्सीन होती है, देन वी हैव गॉट हेपेटाइटिस, पोलियो, उसमें जो है वो बताया गया है कि इसमें आप इस कौन सी वैक्सीन का नाम, डिजीज़ क्या है, वैक्सीन का नाम क्या है, किस किस्म का आप जो है उसमें वायरस देते हैं, और फिर उसके बाद किस एज ग्रुप में, किस उम्र में जो है ये वैक्सीन आप दे सकते हैं बच्चे को। सो नेक्स्टली वी हैव गॉट आज का टॉपिक, जो मेन टॉपिक हमारा आज का है, विच इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ जो हम अगला टॉपिक आज ही के लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज़ लेटेस्ट टेक्निक्स अप्लाइड टू इन्हेंस क्रॉप एंड फ्रूट ईयर। ठीक है, वो क्या तरीक़ेकार हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं जो कि अप्लाई की गई हैं, टेक्निक्स अप्लाइड टू इन्हेंस क्रॉप एंड प्लांट या फ्रूट यील्ड, कैसे हम क्या तरीके इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले ब्रीडिंग, फिर फार्मिंग, फिर मैनेजमेंट और केयर ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में क्या क्या आता है, कैटल। ठीक है, कैटल, शीप, हॉर्सेस, काउ एंड चिकन। अब क्या क्या आता है इसमें, घोड़े, भेड़े, बकरियां और गायें, भैंसें और उनके साथ मुर्गियां, जो आपको जिनसे, जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता है, हाउस होल्ड और जो जानवर हो सकते हैं जिनसे आप अंडा लें, दूध लें, वूल लें और गोश्त लें या उनसे काम लें।
तो ऐसे जानवर आपकी लाइफ स्टॉक कहलाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या करती है? एनिमल हस्बेंड्री जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, इसमें हम क्या करते हैं कि हम उनकी इंटर ब्रीडिंग को कैसे उनकी जो है नस्ल किस तरह से बढ़ाएं, कैसे उनकी अमाउंट ज़्यादा करें और उनको फार्म कैसे करें, उनको टेम कैसे करें, उनको रखना किस तरह से है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है, इन सब चीज़ों की जो डिस्कशन है और जो स्टडी है दैट कम्स इन दी अंडर दी डिसिप्लिन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इन एनिमल हस्बेंड्री जेनेटिक क्वालिटीज एंड बिहेवियर्स कंसिडर टू बी एडवांटेजेस टू ह्यूमंस आर फर्दर डिवेलप। कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि ऐसी जीन्स, ऐसा जीनोम या ऐसी जो है क्वालिटीज़ जो कि मतलब, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ जो है उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका जो कोड होता है, पैनल ऑफ कंडक्ट होता है, वो कहाँ से आता है? जेनेटिक मटीरियल, DNA, क्रोमोसोम से। तो ऐसी जीन्स, ऐसी क्वालिटीज़ जो अच्छी होती हैं, जो इंसान को फ़ायदा देने वाली होती हैं, जैसे गोश्त हमें फ़ायदा देता है, मीट में फ़ायदा, मिल्क हमें फ़ायदा देता है, हमारे सोर्स है डाइट की, ठीक है, या एग्स वगैरह, तो हम ऐसी चीज़ों को जो उनकी प्रोडक्शन कर रही होती हैं, ऐसी जीन क्वालिटीज़ को, ऐसी जेनेटिक क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर देते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंडर, ये सारा काम होता है। ठीक है, एनिमल्स आर रेस्ड फॉर मीट, मिल्क, एग्स, फाइबर, लेदर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन एंड एंटी सेरा फॉर मेडिकल यूज़। हमें पता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या तो हम जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे दूध हासिल करते हैं लाइफ स्टॉक के जो जानवर हैं, या हम उनके एग्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम उनके फाइबर्स जैसे कि वूल वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं, या हम उनसे उनकी खाल से, उनकी स्किन से चमड़ा बनाते हैं जैसे लेदर। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि हमने ये पिछला जब बायोटेक्नोलॉजी वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पढ़ा, हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पढ़े, हमने उसमें क्या देखा था कि हमने माइस को जैसे इस्तेमाल करके क्या किया था, उसकी यूरिन में कोई वैक्सीन जो है वो रिलीज़ हो रही थी, प्रोटीन्स रिलीज़ हो रहे थे, ग्रोथ हार्मोन था जो कि रिलीज़ हो रहा था, वहाँ से फिर हम उसे प्योरीफाई कर लेते थे, या फिर इंसुलिन के जो है वो सिक्रीशन होती थी शीप को अंदर, हम उसकी जीन लगा देते थे और उसके मिल्क में उसकी सिक्रीशन होती थी। तो इस तरह जो एंटी सेरा है, एंटी सेरम, या फिर जो आपकी वैक्सीन्स हैं, या एंटीबॉडीज़ हैं, या ख़ास प्रोटीन्स, या कोई ख़ास दवाइयाँ हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी हम इन जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। सो कैटल एंड शीप आर इम्प्रूव्ड टू यील्ड मोर मीट, मिल्क एंड वुल बाय एग्रीकल्चरिस्ट। अब ये चीज़ें हमें पता है, उनकी जो बेहतर क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते थे। तो एग्रीकल्चरिस्ट या जो एनिमल हस्बेंड्री के अंडर जिनकी जो उनका फील्ड ऑफ डिसिप्लिन है, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, ऐसे फेवरेबल तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जिसके थ्रू मीट, ठीक है, और यही वूल वगैरह की जो चीज़ों का हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, एडवांटेजेस हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए। द ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स प्रॉपर फीडिंग, वाटरिंग एंड क्लीनिंग द लिविंग एरिया ऑफ एनिमल्स। द ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स इज मैनेज्ड बाय फार्मर्स विद अ व्यू टू इंकरेजिंग ट्रेड्स कंसिडर्ड एज डिजायरेबल दैट इंक्लूड फास्ट ग्रोथ रेट्स, लो फीड कंजम्पशन, हायर यील्ड्स, बेटर क्वालिटी फाइबर्स। पहले तो वो कह रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के जो फील्ड है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं, हम उनको किस तरह से रख रहे हैं, उनको क्या खाना दे रहे हैं, उनको वाटरिंग किस तरह से हो रही है, प्रॉपर इंटरवल्स में उन्हें खाना मिल रहा है या नहीं, हमने उनको सफाई सुथराई का ख्याल रखना, इस सब की जो गाइडलाइंस हैं, जिसकी मैनेजमेंट है, वो भी एनिमल हस्बेंड्री में जो एग्रीकल्चरस्ट वगैरह हैं, वो लोगों को उससे के लिए अवेयर करते हैं, और जो वो बनाते हैं गाइडलाइंस, वो भी इन्हीं का काम होता है। फिर उसके बाद क्या था कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, या जो एग्रीकल्चर मैन होते हैं, जो खुद जिनके फील्ड्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका ये व्यू होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इनकरेजिंग ट्रेड्स, जैसे जो बेनिफिशियल ट्रेड्स हैं, जो बेनिफिशियल उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा हों, और जो उनको भी फ़ायदा दें, उनकी जेब पे हल्के, उनकी पॉकेट पे बर्डन ना ज़्यादा करें, जैसे कि उनका जो चारा है वो सस्ता होने पड़े, ठीक है, जो फीड की कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा चारा ना खाएं, क्योंकि हर वक्त तो नहीं वो दिन रात खाना तो नहीं खिला सकते अपने लाइफ स्टॉक को, अपने कैटल को, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, जो उनका मिल्क प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा और ज़्यादा मिल्क आएगा, एक जो है मिल्क वैन के पास, एक गवाले के पास, तो वो ज़्यादा पानी है उसके पास, जब मिल्क आएगा तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा, उसकी जो है इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी, तो उसे तो पसंद यही होगा कि उसे ज़्यादा पैसे मिले। देन फास्ट ग्रोथ रेट्स, जैसे अगर कोई, जैसे कुछ होते हैं लोग जो मुर्गियाँ बेचते हैं या बकरे बेचते हैं, तो उन्हें फास्ट ग्रोथ रेट्स चाहिए। अब फास्ट ग्रोथ रेट्स की एग्जाम्पल हमने हेन में बहुत देखी, कि पोल्ट्री फार्म में जो आपकी जो आप जी ये चिकन होती है, क्या कहते हैं इसे, जो
ग्रो की जाती है, एक तो घर की देसी मुर्गी होती है और एक जो सिंथेटिकली ग्रो की जाती है पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गी होती है, तो वो चिकन जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। तो ये जो पोल्ट्री फार्म में ख़ुद से ब्रीड की जाती है, इस चिकन को जो है हम कितना फास्ट इसका ग्रोथ हो जाता है रादर देन जो एक आम घर पे पलने वाली मुर्गी होती है वो एक साल में प्रॉपरली पूरी ग्रो होती है, जबकि ये इनक्यूबेटर में और बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के थ्रू ये प्रॉपरली ये जो है चिकन बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। अब आपने ये देखना कि हमारे अंदर एक कंसेप्ट है कि ये मुर्गी बिल्कुल सही नहीं है, ये ख़राब है, ये मुर्गी जो होती है पोल्ट्री फार्म की जो जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, हमें ये लगता है। असल में इशू उस प्रोसीजर में नहीं है, प्रोसीजर ठीक है, इशू ये होता है कि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री और जो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे उनकी बात नहीं मानी जाती और उसकी प्रॉपर फीड उसको जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक फ़ीड नहीं दी जाती, उसे ख़राब फीड दी जाती है या जो है उसकी जो जो ग्रोथ है वो ठीक तरीके से नहीं की जाती है, कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि प्रोसेस में इशू नहीं है लेकिन द इशू इज़ इन व्हाट कि जो है आप उसको फीड ठीक नहीं दे रहे हैं या आप उसको एनवायरनमेंट ठीक नहीं दे रहे, इसलिए जो है हम कहते हैं कि भाई ये फार्मी मुर्गी नहीं खानी है, इससे बीमारियाँ हो जाती हैं ये वो। तो वो प्रोसीजर ठीक है जिसके थ्रू वो बन रही होती है लेकिन हम जो यहाँ पे इस्तेमाल करें पाकिस्तान में उसको जो स्टीरॉयड्स वगैरह दे दिए जाते हैं कुछ कि वो बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाए, अगर उसने नॉर्मली इनक्यूबेटर में एक महीने में बड़ा होना है हम उसे 10 दिन में प्रोड्यूस कराने, तो हम जो है मतलब अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उसमें थोड़े से कुछ इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। देन देयर इज़ द नेक्स्ट थिंग, आप जो है आपकी किताब में लिखी हुई कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज इंक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी, गुड हस्बेंड्री, प्रॉपर फीडिंग, मेंटेनिंग हाइजीन कंट्रीब्यूट टू एनिमल हेल्थ विच ब्रिंग्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैंने आपको बता दी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं कि जो फार्मर है उसको भी पैसा मिले और जो एग्रीकल्चर है उसके भी मतलब बिकॉज ये उसका वे ऑफ अर्निंग है तो वो चाहेगा कि मेरी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, व्हेन एनिमल्स बिकम सिक दे आर ट्रीटेड बाय वेटरनरी मेडिसिन बाय फार्मर एंड वेटरनेरियन। ठीक है, जो वेट होता है यानी कि शॉर्ट फॉर्म फॉर वेटरनेरियन, वेटरनेरियन ये वो डॉक्टर होता है जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है। ठीक है, सो वेट के पास आप जाते हैं या वेटरनरी डॉक्टर के पास आप जाते हैं अगर आपका जो एनिमल है जो आपके पास है जो घर में रहता है वो बीमार हो जाए और वो उसका प्रॉपर इलाज करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में, डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने काम किया, डिफरेंट रिसर्चेस सामने आई हैं। एनिमल्स की डिजीज़ इंसानों की डिजीज़ से अलग होते हैं और उनका इलाज और उनके जो है मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं। फिर कहते हैं कि एक टर्म थी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग, हमें जो ये फ़वाद मिले कि जो है जिसके थ्रू हमें जो जो कैरेक्टर्स जो फीचर्स हमें ज़्यादा चाहिए थे जैसे वूल मिल्क मीट वगैरह, ये हमें हमने इसके लिए एक चीज़ इस्तेमाल की दैट वॉज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब कि दो जानवरों को हमने जो है इस तरह से मेट कराया, उनको इंटरमेटिंग कराई और चुन के कि अगर एक जानवर जो था जैसे ये जो फीमेल शीप था, फीमेल शीप का जो है मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी अच्छा वाला था, ठीक है, उसको हमने मेट कराया विद दैट शीप जिसका मीट बहुत ज़्यादा था या जिसका वूल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जब हमने इसको जब मेट कराया तो जो बेबी होगा जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो मिल्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और उसका गोश्त भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर इसके जो फर्दर बच्चे होंगे उसमें हमें ये चीज़ मिलेगी, तो इस तरह से हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। फिर है रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन नेशनल इकॉनमी, इकॉनमी में इसका क्या जो है मकसद, हमें क्या फ़ायदा देता है लाइफ स्टॉक, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक का बड़ा रोल है हमारी इकॉनमी के अंदर। जब हम सेल्स करते हैं, एग्रीकल्चरल बिजनेस होती है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी होती है, मनी स्प्रेड हो जाती है अमीरों से गरीबों में, गरीबों से अमीरों में। ठीक है, जब व्हेन दे बाय दे लाइफ स्टॉक फ्रॉम देयर ओन पीपल, अपने ओन फार्मर से और एग्रीकल्चरल से। ठीक है, एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, बर्ड्स वगैरह का जो है ख़रीदो फरोख्त होता है और हम उसके बदले में फिर जैसे गांव से ख़रीद के लाए, फिर शहर में उन्होंने ख़रीद के रखा दुकानदारों ने, फिर उसके जो फर्दर प्रोडक्ट्स थी दूध और अंडे वगैरह वो आगे बेचे। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो डोंकीज, हॉर्स और खच्चर, म्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, गधे, घोड़े और खच्चर, ये भी आपके लाइफ स्टॉक का ही पार्ट होते हैं। फिर ये इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 30-40% ऑफ इनकम जो हमारे कंट्री में है वो डिपेंडेंट है, बल्कि आती है लाइफ स्टॉक से। ठीक है,
फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है 50% इसकी कंट्रीब्यूशन है इन एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो 50% कंट्रीब्यूशन वहाँ है, और 11% इसकी जो GDP है पाकिस्तान की, विच इज GDP इज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो है 11% इट इज़ बिकॉज डिपेंडेंट ऑन दी योर एग्रीकल्चर एंड योर लाइफ स्टॉक. 8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स डिराइव फ्रॉम लाइफ स्टॉक इन देयर प्रोडक्ट. और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स करता है जो उसका उस 100 में से 8% लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि चमड़े से बने हुए मे बी फुटबॉल्स हों या कुछ जो है ऐसे मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट्स हों, जैसे कुछ सूचिंग मटीरियल होता है जो धागा इस्तेमाल होता है सूचर करने के लिए, उसके लिए जो है जानवरों के कुछ पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं. फिर कोट्स बनाने के लिए हम फर इस्तेमाल करते हैं, जूते और बैग्स बनाने के लिए हम लेदर इस्तेमाल करते हैं. तो जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से वो 8% हमें फ़ायदा देती है, 8% एक्सपोर्ट होती है इन चीज़ों के बनी हुई. पाकिस्तान इज लकीली वी हैविंग सम बेस्ट डेयरी ब्रीड्स लाइक नीली, रावी एंड कुंडी बुफेलोस एंड रेड सिंधी एंड साहिवाल कैटल, ठीक है, कि कुछ जो बेस्ट ब्रीड्स हैं, जो बेस्ट डेयरी ब्रीड हैं जिनके मतलब मिल्क कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है, वो कुछ रेयर ब्रीड्स, कुछ रेयर किस्म की स्पीशीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे कि नाम है नीली, रावी और ये इस तरह की बफेलोस, और कुछ कैटल जैसे कि साहिवाल कैटल. फिर फर्दर जिन्होंने जो है काउज और बफेलोस को नाम दिए हैं और उनकी मिल्क यील्ड पर लैक्टेशन साइकिल, मतलब साल में जिस वक्त वो दूध दे रही होती हैं उस वक्त कितना टोटल वो मिल्क देती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो अगर होल्स्टीन फ्रिजियन एक काऊ है जो कि 12,700 लीटर दूध देती है अपने लैक्टेशन साइकिल में. इसी तरह फिर डिफरेंट हैं उनकी इसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो 12,700 लीटर एक लैक्टेशन साइकिल में बहुत बहुत ज़्यादा दूध होता है, ठीक है, तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान की अपनी एक स्पीशी है, अपनी एक ब्रीड है, और अगर हम इस पर फर्दर काम करें तो पाकिस्तान कितना तरक्की कर सकता है, ठीक है, हमें कहीं बाहर से ये टेट्रापैक मिल्क वगैरह और जो है हम कुछ भी एक्सपोर्ट करने की इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपने मिल्क को जो है इसमें प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं. अगर आप एक एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में इंटरेस्ट होकर डेवलप चले जाएं और फिर आप ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव डेवलप करें कि कोई हाई कंटेंट प्रोटीन या हाई कंटेंट अमीनो एसिड्स का जो अच्छे वाले मिल्क हैं उनको आप उनकी कोई पैकिंग का प्रोसीजर निकाल लें और फिर वो उस अपना एक ब्रांड बना लें मिल्क का, जैसे नेस्वीटा होता है, नेस्ले होता है, आप अपना फिर दूध जो है वो बनाएं पैकेट्स और उसको फिर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हमारा जो GDP है उसको इंक्रीज़ करें. तो अपना माइंड, अपने होराइजन्स ब्रॉड रखेंगे, हमने बड़े बड़े काम करने, ये छोटे काम की ये रेसिज्म कि तुम पठान हो और तुम बलोच हो और तुम पंजाबी हो, ये स्मॉल माइंड्स ये बातें सोचते हैं. जो बिग माइंड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके लिए ये बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि हम सब इंसान हैं और सब बराबर हैं, सबकी आँख कान नाक हैं, सबको अल्लाह ने बनाया है तो सब बराबर है. अगर आप किसी को कह रहे हो कि मैं तुम बड़े हो और मैं छोटा हूँ, या अमीर जो है वो इस्लाम में है ना कि अमीर किसी अमीर को किसी गरीब पे बरतरी नहीं है, किसी काले को किसी गोरे इंसान पे बरतरी नहीं है, अरबी को अजमी पे नहीं है, तो जब ये बात इस्लाम ने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी तो कोई किसी के ऊपर अफजलियत या फजल नहीं रखता, कोई भी किसी से अफजल नहीं है. तो अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये अफजल है, ये बड़ा इंसान है, ये अमीर आदमी है तो ये बहुत अच्छा है और बड़ा है और जो गरीब है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो आप ये अल्लाह ताला को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबका क्रिएटर, सबका बनाने वाला, सबका खुदा तो अल्लाह ही है. तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स एज रेसिज्म कि तुम्हारी क्या रेस है, तुम्हारी क्या कास्ट है, तुम्हारा कौन सा कबीला है, ट्राइब कौन सा है तुम्हारा, किस क्रीड से तुम बिलोंग करते हो, या जो है क्या तुम्हारी एथनिसिटी है, कौन सी ज़ुबान के बोलने वाले हो, कौन सी मज़हब के मानने वाले हो. दिस इज़ समथिंग बहुत फरसूदा हो गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारी सोच इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रही, सो वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट. ठीक है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है आपकी कि आप ये हो और आप ये हो, दैट्स फाइन, और इफ़ यू आर प्राउड ऑफ इट ठीक है, आप उसे ओन करें, बट डोंट मेक इट योर ज़िंदगी मौत का मसला, इट्स नॉट एवरीथिंग. ठीक है, ज़िंदगी में, दुनिया में और भी करने को बहुत सी चीज़ें हैं. तो जो लोग इन चीज़ों से आउटग्रो कर सकते हैं, जो लोग अपने जहन को इन छोटी चीज़ों से बाहर निकाल लेते हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं. ठीक है, तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री की हमने डिस्कशन कर ली, नाउ वी हैव टू डिस्कस टेक्निक्स अप्लाइड टू इन्हेंस
दी क्रॉप एंड फ्रूट यील्ड्स. ठीक है, हमने एनिमल लाइफ स्टॉक के लेवल पे बात कर ली एनिमल हस्बेंड्री की, अब हम प्लांट्स और क्रॉप्स को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं. उसके लिए हम सेलेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, हम वो वाले प्लांट्स को आपस में ब्रीड कराएंगे जिनमें हमारे फेवरेबल कैरेक्टर्स हैं. और इसके लिए कुछ मेथड्स और कुछ प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि किताब में लिखे हुए हैं. फर्स्टली देर इज़ योर हाइब्रिडाइजेशन, देर इज़ सेलेक्शन, देर इज़ एक्लिमेटाइजेशन, बैक क्रॉस, होम गार्डनिंग, और फिर फर्दर उसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई. थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं बिकॉज सिंपल सी बातें हैं और बिल्कुल जिस पैटर्न पे एनिमल हस्बेंड्री होती है उसी तरह से हम भी इसमें भी यही चाहते हैं कि हमें वो पैदावार हो फसल की जिससे हमें यील्ड ज़्यादा मिले, और ऐसे जो है दरख्त पौधे हों जिन पर हमें फ्रूट ज़्यादा मिले ताकि हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, हमें फ़ायदा हो. बिकॉज इफ़ यू आर ग्रोइंग अ ट्री और इफ़ यू आर यू नो ग्रोइंग अ फील्ड, तो हमारा क्या काम मकसद है कि हम हार्वेस्ट ज़्यादा करें, गंदम की फसल की यील्ड जिसे पैदावार कहते हैं वो ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम कोई चीज़ ग्रो कर रहे हैं तो हमें कुछ उगाना है और हमें बेचना है. ठीक है, सो सिलेक्शन वन ऑफ द पहला प्रोसीजर है कि प्लांट ब्रीडिंग इज सिलेक्शन, कि किस तरह से आप उसे ज़्यादा कर सकते हैं. वो प्लांट जिनके अंदर डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं हम उनको चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं की आपस में ब्रीडिंग कराएंगे और उन्हें कल्टिवेट करेंगे यानी ग्रो करेंगे. फिर उसके बाद अगला मेथड आता है हाइब्रिडाइजेशन. इट इज़ द फ्रीक्वेंटली यूज मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन विच डिजायर्ड ट्रेंड्स फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन टू वन प्लांट विया क्रॉस पोलिनेशन. इसमें क्या की जाती है, डिफरेंट प्लांट्स में जैसे ये एक प्लांट जो यहाँ ग्रो करता है इस इलाके में जो दूसरा तो डिफरेंट जगह पर ग्रो करेगा, एक ही जगह पर दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स ग्रो करें, एक का सीड अच्छा, एक का फ्रूट अच्छा है, एक की जो है वो ज़िंदा रहने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है जो ज़्यादा देर तक रहता है, एक ज़्यादा सीजन में होता है, ये एक का जो है वो टेस्ट थोड़ा सा अलग है. जिस तरह हम देखते हैं ना डिफरेंट तरह के टमाटर आ रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के ये ऑरेंज, किन्नू, मौसमी, ये एक ही तरह की नस्ल के कितने ज़रा किस्म के ये आ रहे होते हैं सिट्रस फ्रूट्स इन्हें कहते हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है. ठीक है, तो ये कितनी टाइप्स हैं, लाइम्स होते हैं, लेमन्स होते हैं, मौसमी, किन्नू, ऑरेंज, माल्टे, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो कोई जो है थोड़ा सा कम मीठा होता है, कोई तेज़ खट्टा होता है, किसी का साइज़ छोटा होता है, तो इनको जो है इस तरह के जो फीचर्स होते हैं हम इनको कलेक्ट करके इन सब सबके जो है पोलन्स लेके उनकी क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं. तो इसके रिजल्ट में जो दो ऐसे जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स यानी किसी में ज़्यादा अच्छा फल बनाने वाली जीन होगी और किसी पेरेंट में मीठा फल बनाने वाली जीन होगी, हमें जब इनको क्रॉस कराया इनकी जो औलाद पैदा होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड. इनकी जो क्रॉस पोलिनेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी दैट वुड बी हाइब्रिड्स, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि किसी का जेनेटिक कंटेंट आप चेंज नहीं कर रहे होते बल्कि आप सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स चेंज कर रहे होते. जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, ये दो ऑर्गेनिज्म है इसका आपने यहाँ से पीस ऑफ डीएनए लेके ये जीन आपने इस ऑर्गेनिज्म में यहाँ इंसर्ट कर दी, जबकि आप हाइब्रिडाइजेशन में ये नहीं करते. अब हाइब्रिडाइजेशन में एक ये माँ और एक ये बाप, माँ का जेनेटिक मटीरियल कुछ और था, बाप का कुछ और, आपने इनकी जब मेटिंग कराई तो एक यूनिक डिफरेंट किस्म का जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन गया. आपने इस दो एक तरह की और इन दो एक तरह की आपस में ब्रीडिंग कराने के बजाय दो अलग स्पीशीज़ का जब आपने ब्रीड कराई तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो हाइब्रिड होगी. तो इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि एक का हिस्सा उठा के हमने दूसरे के जीन में डाल दिया. ठीक है, इम्प्रूव्ड और इंक्रीज कंसनट्रेशन फंक्शन ऑफ एनी बायोलॉजिकल क्वान्टिटी इन हाइब्रिड देन बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स रेफर्स टू हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर. अब ये वाला जो इसका पेरेंट था, ये वाला जो प्लांट था, इसमें क्या था कि ये इसका फ्रूट साइज़ बड़ा होता था. ठीक है, और इसका जो है फ्रूट स्वीट ज़्यादा होता था. ठीक है, तो हमने ये दो कैरेक्टर्स उठाए. अब जब ये फ्रूट देगा, इसका फ्रूट का साइज़ भी बिग होगा और ये स्वीट भी ज़्यादा होगा. तो अब क्या था कि इसके एक पेरेंट में ये था कि इसके एक पेरेंट का साइज़ ज़्यादा था, इसके एक पेरेंट का फ्रूट का स्वीट ज़्यादा था, लेकिन इसमें ये दोनों चीज़ें, तो इसके अंदर अपने पेरेंट से ज़्यादा ताकत होगी ना, तो इस जो हाइब्रिड को हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर इस फीचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, यानी वो एनर्जी, वो ताकत जो कि दो को कंबाइन करने से हमें मिली, एक नया किस्म का चीज़ मिला. ठीक है, सो हाइब्रिड ब्रीडिंग मेथड्स आर यूज्ड इन मेज, सोरगम, राइस, शुगर और अनियन, स्पिनच, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हम हाइब्रिड ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करते हैं. फिर एक्लिमेटाइजेशन है अगला स्टेप, अगला टाइप जो है वो जो मेथड है जो कि
हम यील्ड वगैरह को इंक्रीज करने के लिए और बेटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्लिमेटाइजेशन में क्या है, दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर प्लांट्स एडजस्ट टू ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इट्स न्यू एनवायरनमेंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड के कितनी देर लाइट मिलेगी, कितना वहाँ का पीएच है। एक प्लांट को जो है एक जगह से उठा के, अगर कोई एक मेरा पौधा इस कमरे में रखा हुआ था, मैं उसको उठा के और ग्रेजुअली उसका आहिस्ता आहिस्ता से मैं चेंज करूँगी, यहाँ पर उसको ज़्यादा लाइट मिल रही थी या कम लाइट मिल रही थी, वहाँ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी लाइट ज़्यादा करूँगी, फिर और इस तरह से, ठीक है। तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता उस नई जगह का आदि बना रही हूँ। इस आदि बनाने को क्या कहेंगे, एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन का ये इजीएस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट सिर्फ पंजाब में ग्रो करता है, मगर हम उसे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता उसको इसका आदि बना के लाएं और बलूचिस्तान में भी ग्रो कराना शुरू करा दें, तो हम उसको प्रोसीजर क्या हम इस्तेमाल करेंगे, एक्लिमेटाइजेशन का। या कोई एक प्लांट है, कोई एक पौधा है जो कि सिर्फ सर्दियों में ग्रो करता है और हम उसे गर्मियों में भी ग्रो कराना शुरू कर दें इसी एक्लिमेटाइजेशन के मेथड के थ्रू, उसे आहिस्ता आहिस्ता आदि बनाएं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। कहते हैं कि ये अडेप्टेशन भी तो यही होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ का, कोई जानदार किसी चीज़ का आदि हो जाता है। तो कहते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होती है टू चेंज इन एनवायरनमेंट, जबकि अडेप्टेशन एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है और ये जनरेशन लेता है, नस्ल दर नस्ल चेंजेस आएंगे तो फिर वो चीज़ अडेप्ट होती है, एवोल्यूशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है बहुत, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन जो है वो जल्दी से हो जाती है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है एक। मोर ओवर एक्लिमेटाइजेशन डज नॉट ब्रिंग जेनेटिक चेंज। एक्लिमेटाइजेशन में क्या होता है कि उसका DNA, उसका जेनेटिक मटीरियल चेंज नहीं होता, लेकिन जब आप अडेप्ट कर लेते हो किसी चीज़ के लिए, जैसे अगर हमने देखा कि जिराफ्स ने बेटर अडेप्ट किया और उनकी के उन्हें दरख्तों से ऊंचे ऊंचे दरख्तों से खाना लेना था तो उनकी गर्दन ही लंबी होती गई, ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग हो गई, तो लंबी गर्दन को कोट करने के लिए उनका जेनेटिक मटीरियल जीन्स भी चेंज हुई कि इनमें लंबी गर्दन वाली जीन्स होंगी। जबकि प्लांट्स में या फिर दूसरे जो जिन जानदारों में हम एक्लिमेटाइजेशन कराते हैं उनमें जेनेटिक मटीरियल चेंज नहीं होता, सिर्फ जो है उसकी वो फिजिकल ट्रेड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। फिर अगला मेथड है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है कि एक हाइब्रिड जो हमने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया था उसको हम क्रॉस करते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और इसमें हम करने का मकसद क्या होता है कि किसी ख़ास डिजीज से, जैसे पौधों की कोई ख़ास बीमारी होगी उससे रेजिस्टेंट बनाने के लिए, कि अगर अब उनको ये हाइब्रिड जो बन गया इसको फर्दर किसी पेरेंट ब्रीड के साथ अगर इसका जो है वो इसको मैच किया जाएगा, मेट किया जाएगा या ब्रीड किया जाएगा, तो इसमें वो वाली कैरेक्टरिस्टिक अब आ जाएगी कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि आप इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन और फ्यू जीन्स कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम वन लाइन इनटू अ सेकंड ब्रीडिंग लाइन। फिर इससे क्या है कि हॉर्टिकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है बैक क्रॉस और एनिमल ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि आप अपने डिज़ायर्ड स्पीशीज़, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप हाइब्रिड की कुछ जीन्स जो हैं वो वापस इसमें चली जाएंगी और एक सेकंड ब्रीडिंग लाइन, एक नया किस्म का जो है वो सिलसिला नस्ल का शुरू हो जाएगा उससे, ठीक है, जब आप किसी हाइब्रिड को बैक क्रॉस करोगे विद अ पेरेंट, ठीक है। देन वी हैव गॉट होम गार्डनिंग। होम गार्डनिंग इज़ अ प्लॉट ऑफ ग्राउंड यूजली नियर अ हाउस और नियर हाउस और इनसाइड अ हाउस वेयर एन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड हर्बल कल्टीवेटेड। जो घर में हमारे छोटे छोटे किचन गार्डन होते हैं या हमने लॉन्स बनाए होते हैं वो होम गार्डनिंग की जो है वो ज़मरे में आते हैं। हो सकता है आपके घर के पास कोई एक्स्ट्रा प्लॉट हो, वहाँ पे अपनी सब्जियाँ उगा ली हो। इट इज़ डिलाइटफुल एंड फर्टाइल रीजन ऑफ हाउस। घर का वो ज़रखेज़ किस्म का और आपको खुशी का एहसास देता है लॉन में आप जाके बैठे हैं, जहाँ आपने अपनी सब्जियाँ पौधे लगाए उस जगह पर जाके अच्छा लगता है, बच्चे वहाँ खेलते हैं और मतलब ज़िंदगी का एहसास होता है उस जगह पर जाके। और अगर आप जो है बड़े मतलब ज़्यादा कोई जैसे मिर्चें बहुत ज़्यादा घर में ग्रो कर रहे हैं या टमाटर वगैरह पोटैटोज़, तो आप इन्हें बेच के जो है एक इनकम का ज़रिया भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप खुद ही अपने घर की कल्टीवेट की हुई चीज़ें घर में इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़्रेश चीज़ अवेलेबल होगी, हर वक्त अवेलेबल होगी, बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा और आपको पता है कि साफ़ सुथरी चीज़ है। और फिर आप उसको इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली होगा कि आपको वो चीज़ ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, घर से ही अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये पूरा एक फार्मिंग सिस्टम की एग्जांपल है जो आप घर पे गार्डनिंग करते हैं छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंस होम गार्डन की, कि वही वाली बात है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स घर पे अवेलेबल हो सकते हैं और फ्रेशली पिक अप कर सकते हैं, घर की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेटिव पर्पज़ से, सजाने के पर्पज़ के लिए भी हम जो खूबसूरत रंगों के पौधे हैं, फूल हैं, घरों में लगाते हैं।
देन आपके पास एक टेबल है जिसमें वो कहता है सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसमें जो है साल के चार साल के 12 महीने हैं ना, तो उनको चार चार में डिवाइड करके और बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल विंटर है तो विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम जो फॉल का महीना होता है, कौन से टाइम पे कौन से प्लांट्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ग्रो करते हैं। जैसे विंटर में कैबेज, कॉलीफ्लावर, सेलरी रूट, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, स्वीट ऑरेंजेस वगैरह ग्रो करते हैं, और इसी तरह से वेरियस अदर एग्जांपल्स हैं। तो हमारा आज का जो है टॉपिक टेक्निक्स अप्लाइड टू इन्हांस क्रॉप एंड प्लांट यील्ड ख़त्म हुआ। इसमें हमने क्या पढ़ा, बैक क्रॉस, होम गार्डनिंग, हाइब्रिडाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन वगैरह, ये चीज़ें हमने देखी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, और सिलेक्शन भी एक प्रोसीजर था कि हम जो अच्छी ब्रीड है उसको सेलेक्ट करके उनका क्रॉस करवाते हैं। उससे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री पर डिस्कशन की थी, जो कि हमारा आज का टॉपिक था, जो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और क्लियर भी हो गए होंगे आप लोगों के कंसेप्ट्स। बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, सिर्फ बेसिक नॉलेज है जनरल कि हम बायोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की एस्पेक्ट्स में, जो कि इंसानों को फ़ायदा दें। तो यहाँ पर हमारी आज के लेक्चर की डिस्कशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो कि आपकी पूरी सेकेंड ईयर बायोलॉजी का भी आखिरी लेक्चर है और इस चैप्टर का भी आखिरी लेक्चर है। उस पर हमारे थ्योरी के लेक्चर्स का इख्तिताम हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट्स वाले लेक्चर्स में एक्सपेरिमेंट्स को देखते जाएंगे कि किस किस तरह से आपने उसको पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेरिमेंट्स के लेक्चर्स में ये कोशिश करूँगी कि बताती जाऊँ कि ये एक्सपेरिमेंट किस चैप्टर के साथ देखना है। वो फिर आप जब अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को भी साथ खोलेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होगा। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ आया हो जो भी मैंने पढ़ाया। तो बस इसे अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो नहीं पढ़ सकता, तो आप अपना नॉलेज उस तक ट्रांसफ़र करें, क्योंकि इल्म जो है वो एक सदका जारिया होता है लोगों तक फैलाना। तो कोशिश करें कि दूसरों को भी इल्म से नवाजें और अपने आसपास के लोगों को अवेयरनेस दें जो पढ़ते नहीं हैं या जिन्हें इतनी शऊर नहीं है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, तो आप इन्हें अवेयरनेस दें। और जो है कोशिश करना कि अपना बायोलॉजी का पेपर ख़ुद पढ़ के देना, इधर उधर के मीन्स इस्तेमाल नहीं करना, ख़ुद अपनी मेहनत के ऊपर ये पेपर करने की कोशिश करना। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।